कैलकुलेट फॉर्मूला का क्या रोल है समझ जाइए। देखिए जैसे क्या होता है कि दो अलग अलग कंडीशंस हमें अप्लाई करने होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें अप्लाई करनी होती है, उसके लिए हम कैलकुलेट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने मेजर्स फॉर्मूला लिया और यहाँ पे हम देते हैं टोटल क्वांटिटी, राइट। अब टोटल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे सम और क्वांटिटी का फॉर्मूला उठा लिया, राइट। रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो कि यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी इसको हटाता हूँ, मैंने यहाँ पे कार्ड लिया और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी, 38 की आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि स्लाइसर इस पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ अगर टोटल क्वांटिटी यहाँ पे नेम को ले लिया, अब मैं यहाँ पे अमर को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए अमर का टोटल लिख रहा है ना जी। तो इसका तरीका मैंने बताया था कि ऑल फॉर्मूला से आप जो है इसकी एक नई टेबल या फिल्टर फॉर्मूला से एक अलग टेबल बना ले जो कि आपका फिक्स हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बहुत सारे चीजें हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, अगर कुछ टोटल्स वगैरह करनी है तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेट फॉर्मूला। तो कैलकुलेट फॉर्मूले मेजर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, समझ जाइए कैलकुलेट फॉर्मूला हमेशा मेजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां मैंने मान लीजिए कि टोटल एक्सपेक्ट स्लाइसर के नाम से ES के नाम से मैंने बनाया, राइट। अब यहां पे मुझे सम करना है बट विद कंडीशंस, और कंडीशन में स्लाइसर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट का यूज करते हैं। कैलकुलेट पे पहला होता है एक्सप्रेशन कि आप कौन सा फॉर्मूला देना चाहते हैं, तो हमने सम का फॉर्मूला दे दिया, राइट। और सम के फॉर्मूले मैंने क्वांटिटी को ले लिया, पहले समझ गए। दूसरा आता है फिल्टर कि जो सम आप निकालना चाहते हैं उसमें क्या फिल्ट्रेशन क्या और ऐड करना चाहते हैं, और दोनों के लेके कैलकुलेट करेगा, समझे। मतलब कि फिल्टर जो है इसको इफेक्ट में इस पे जो है इस सम को टोटल रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला था फिल्टर का, फिल्टर लगाइए। नहीं अभी हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ऑल क्रॉस फिल्टर। तो ऑल क्रॉस फिल्टर, ऑल क्रॉस फिल्टर में मैंने सीट वन दे दिया, राइट ठीक। तो ऑल क्रॉस फिल्टर का काम क्या है कि जितने भी फिल्टर्स है उसको रिमूव कर देता है, पूरा दे देता है, रिमूव ऑल फिल्टर। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे लिखा हुआ है ओनली यूज द क्लियर फिल्टर बट नॉट रिटर्न अ टेबल, ठीक है। ये टेबल रिटर्न नहीं करता है, ये क्या करता है, सिर्फ टोटल सम को दे देगा, फिल्टर क्लियर करता है, फिल्टर क्लियर करता है, समझे। तो इससे फायदा हुआ कि अगर मैं इसको एंटर मारता हूं, अब इसमें मैं एक मिनट, इसमें लग रहा है हमने डबल ब्रैकेट लगा दी। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे कार्ड में मान लीजिए मैं यहां पे अपना टोटल ईएस करता हूं स्पेक स्लाइसर, तो इससे क्या हुआ कि अब इसके टेबल के ऊपर कोई भी फिल्ट्रेशन होती है तो ये हमारा इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैं जी को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए ये चेंज हो रहा है क्योंकि नॉर्मल सम है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेट फॉर्मूला हमारी कैलकुलेशन के ऊपर क्या फिल्ट्रेशन होने वाली है वो ऑफ होता है। इसे समझ लीजिए कि दो फॉर्मूले को हम कैलकुलेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, क्या बताइए। जैसे ये आपने जो करा है कैलकुलेट फॉर्मूले से, इसे फिल्टर से भी कर सकते हैं, ठीक। पर नहीं, फिल्टर से नहीं कर सकते सर। देखिए समझिए, फिल्टर से करने के लिए आपको एक अलग सीट बनाना पड़ता, अलग सीट, अलग फाइल बनानी पड़ती, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने फिल्टर वाला जो मेथड बताया था वो वहां यूज होता है जहां आपको बहुत सारे कैलकुलेशन चार्ट समरी वगैरह बनाना है, लेकिन यहां जैसे टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, इस तरह की चीजें करनी है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, अलग टेबल बना लेते हैं, हाँ, और क्लोज फिल्टर कैलकुलेट के साथ दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका नया टेबल ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी छोटा टेबल है, इसलिए आप ऐड कर दे हो ना,
जब आप ऑफिस में जाओगे लाखों का, 10 लाख 20 लाख का टेबल होगा, तो उसमें तो करना मुश्किल हो जाएगा ना सर। जी बिल्कुल, तो ये हमारा ऑल क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर का यूज होता है।